मुजफ्फरनगर के स्कूल में सामने आया नफरती एजेंडा तो अखिलेश यादव ने उठाए अहम सवाल। आखिर ये कौन सा बीज और संस्कार बो रही भाजपा। अखिलेश ने पीएम तक को लपेट लिया। शिक्षिका पर कार्यवाही की मांग उठाई। वरुण गांधी ने सामने आकर हाँ में हाँ मिलाई। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे प्रदेश में हल्ला मचा दिया है। कैसे धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव और नफरत पैदा हो रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हर कोई इस वीडियो को लेकर नाराज है और इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मामले में पहली प्रतिक्रिया दी है। एक पुलिस अधिकारी के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, मुजफ्फरनगर के एक वायरल वीडियो में एक टीचर एक अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है। इसमें वो दोहरे अपराध की दोषी है क्योंकि वो पिटवा भी रही है और दूसरे बच्चों को हिंसक भी बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर साबित करे कि उसका नफरती एजेंडा किस प्रकार से सही है। ऐसी टीचर शिक्षक समाज पर धब्बा है। पूरे देश के शिक्षकों को उस टीचर को दंडित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने कहा कि देश का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने लिखा कि ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक है। देश के भविष्य का सवाल है। आपको बता दें कि छात्र की पिटाई का कथित वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर स्थित गांव के एक स्कूल का बताया जा रहा है। आरोप है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की शुक्रवार को उसकी कक्षा के अन्य छात्रों ने पिटाई की और अध्यापिका के कहने पर उसे एक के बाद एक लगातार थप्पड़ मारे। आरोप ये भी है कि वीडियो में एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस के क्षेत्राधिकारी ने मीडिया को बताया कि वीडियो की जांच से प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि स्कूल का काम पूरा न करने पर छात्र की पिटाई की गई थी। वीडियो में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं कही गई है। फिर भी प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।